हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कोल्ड स्लीव्स की कटिंग व स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ। ये मेरी कुर्ती है जो मैंने पहले से ही सिल ली है, और इसमें मैं आपको कोल्ड स्लीव्स लगाने का तरीका बताऊँगी और कटिंग करने का भी। सबसे पहले हमें जो ये आर्म होल्स है इसको नापना है, और ध्यान रखें जब भी हम इसे नापते हैं इसे हल्के हाथ से खींच के नापते हैं। ऐसे हमें इंची टेप को ऊपर रखना है और हल्के हाथ से इसे हमें ऐसे खींचना है जैसे कि ये 9 इंच आ रहा है, और उसी तरीके से हमें कपड़ा लेना है। ऐसे हमने इस कपड़े को लिया है और पहले हमें एक बार इसे फोल्ड करना है कपड़े को, और फिर से हमें इसे फिर से फोल्ड करना है। इसके बाद हम जो बाजू की चौड़ाई लेंगे वो हम 9 इंच लेंगे, क्योंकि हमारे आर्म होल्स की गोलाई 9 इंच है। 1 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए ले रहे हैं। इस तरीके से आपको बाजू की लंबाई लेनी है, सॉरी चौड़ाई, और ऊपर से 3 इंच पे एक निशान लगाना है। और इसके बाद जैसे कि हम यहाँ से निशान लगाएंगे वो 2.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि हमारी बाजू है मीडियम है, नहीं तो ये लॉन्ग है और नहीं ये शॉर्ट है। मीडियम है तो हम 2.5 इंच पे निशान लगाया है, लॉन्ग में हम 3.5 इंच पे लगाते हैं। ऐसे हमने इसकी गोलाई की है। इसके बाद जितनी मोहरी है उसका हाफ लेना, क्योंकि कपड़ा फोल्ड है, 12 है तो 6 लेना है। 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जिस तरीके से हम नॉर्मल बाजू की कटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से कटिंग करनी है, सिर्फ मैंने आपको इसमें चौड़ाई लेना बताया है कि किस तरीके से हमें चौड़ाई लेनी है। इसके बाद हमने बाजू की कटिंग कर ली है, अब हम कोल्ड स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ऊपर से हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है, ऐसे 2 इंच पे हमने एक निशान लगाया है। और इसके बाद जो हम निशान लगाएंगे दूसरा, वो हम 3 इंच पे लगा रहे हैं। आप चाहें तो 4 इंच पे भी लगा सकती हैं, और ऐसे ही नीचे से भी 2 इंच ही लेना है। और इसकी हमें गोलाई करनी है, चाहे तो आप इसे बिल्कुल ही सर्कल उसमें काट सकती हैं, हाफ सर्कल, और या आप इसे, मैं बी शेप में काट रही हूँ, ऐसे नीचे से मैंने इसे बी शेप में किया है और ऐसे मैंने इसकी गोलाई कर ली है। आप इसे किसी भी शेप में काट सकती हैं। देखिए मैंने कोल्ड स्लीव की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम इसके ऊपर पाइपिंग लगानी है। हमें ऐसे इसे फोल्ड करना है और फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करनी है बाजू की। यदि आप फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग का निशान देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे और भी वीडियो, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमें पट्टी रखनी है और सिलाई लगानी है। ये पट्टी हमने तिरछी कटिंग की है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है, और इस तरीके से हमें इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगानी है ऐसे। देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है, और इसके बाद ये गोलाई है तो इसलिए हमें इसमें कट लगाने हैं। ऐसे हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं, और कट लगाने के बाद हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है और फिर से फोल्ड करना है। ऐसे हमें पाइपिंग बनानी है, और ये हम सीधी तरफ से ही सिलाई लगाएंगे। सीधी तरफ से फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है, और इस तरीके से हमें इसमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। ये मैंने सिलाई लगा ली है यहाँ पे, और नीचे हम इसी कलर की पट्टी लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमने बाजू को उल्टा रखा है। इसके बाद इस पट्टी को भी उल्टा रखा है और सिलाई लगा ली है। अब हमें ये सीधी तरफ फोल्ड करनी है, ऐसे हमें इसे ऐसे सीधी तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें लास्ट तक ये सिलाई लगानी है। ऐसे मैंने ऊपर पाइपिंग लगा ली और नीचे पट्टी को भी फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें बाजू को फोल्ड करना है। करने के बाद जितनी भी हमारी मोहरी है हम उस पर निशान लगाएंगे, और ऊपर से हमें सिर्फ 1 इंच पर ही निशान लगाना है, क्योंकि हमने इसमें 1 इंच ही ऐड किया था तो हमने 1 इंच पे निशान लगा लिया है। जितनी भी हमारी मोहरी है उस पे निशान लगाना है, और ऐसे हम ऊपर की तरफ एक लाइन खींचेंगे और इस पे हमें सिलाई लगानी है। देखिए हमने सिलाई लगा ली है, और बाजू को भी हमने सीधा कर लिया है, और सूट को भी हमें सीधा ही रखना है, और बाजू को भी हमें सीधा ही रखना है। और ये ध्यान रखें कि जो फ्रंट की गोलाई है
और वो फ्रंट के आर्म होल्स की गोलाई फ्रंट पे ही आनी चाहिए। इस तरीके से हमें इसे रखना है और रखने के बाद हम इसमें सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे। जब भी हम रेडीमेड कुर्ती हो या फिर ऐसे सिल के तैयार कर लेते हैं उसी में हम ऐसे ही बाजू लगाते हैं। यदि आप किसी भी ड्रेस में बाजू लगाना चाहें तो इसी तरीके से लगाएं। ऐसे हमने सिलाई से शुरुआत की थी नीचे की साइड से, ऊपर की साइड में हमें एक तरफ ऐसे सिलाई लगानी है। पहले ऐसे ऊपर तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। देखिए मैंने एक साइड में सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें दोबारा से फिर से नीचे से ही शुरुआत करनी है और दूसरी साइड में भी सेम हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है। ये कोल्ड स्लीव्स को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है बाजू को जोड़ने का। और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में भी सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है। ये बहुत ही इजी तरीका था जो मैंने आपको बताया है। इस तरीके से आप किसी भी तरह की बाजू लगा सकती हैं। और मैंने इस तरीके से जो हमारी ये कोल्ड स्लीव्स है इसको मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आप दूसरी स्लीव्स भी लगा लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।